आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। दिल्ली नगर निगम चुनाव में जीत के बाद से ही जहांगीरपुरी वार्ड 18 से आप पार्टी नवनिर्वाचित निगम पार्षद टिमसी सुरेश शर्मा और उनके पति ने अपने वार्ड के सभी इलाके का और एमसीडी स्कूलों का किया दौरा। स्कूल प्रशासन से मिलकर सुनी उनकी समस्या और कहा बहुत जल्द ही किया जाएगा स्कूलों की सभी समस्याओं का समाधान। साथ ही अपने वार्ड के कई इलाकों में भी साफ सफाई करवाने का काम किया गया शुरू। बादली विधानसभा के जहांगीरपुरी वार्ड में आज आम आदमी पार्टी की नव निर्वाचित निगम पार्षद टिमसी सुरेश शर्मा और उनके पति ने इलाके का दौरा किया, सुनी लोगों की समस्याएं। अपने वार्ड में स्थित एमसीडी स्कूलों का जाना हाल, स्कूल प्रशासन को कहा जल्द ही किया जाएगा स्कूलों की सारी समस्याओं का समाधान। साथ ही इलाके में फैली गंदगी को लेकर भी सख्ती देखते हुए सभी जगहों पर सफाई कर्मचारियों को लगाया है और सभी कर्मचारी जी जान से अपने काम में जुट गए हैं। सुरेश शर्मा ने बताया कि पहले के निगम पार्षदों की बहुत खामियां रही हैं, वार्ड में बहुत दिक्कतें हैं जिसको ठीक करने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन हम बहुत जल्द सभी चीजों को ठीक करने का काम करेंगे और जनता ने जो हमारे पर भरोसा किया है उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। पहले तो सबसे पहले हम लोग अपने कार्यकर्ता से मिले, उनको धन्यवाद दिया है, फिर जनता में गए, जनता का भी धन्यवाद दिया है। अब कल हम लोग आईजी ब्लॉक के निगम के स्कूलों में गए, वहाँ पर व्यवस्था देखी, उसके बाद में आईजी ब्लॉक जहांगीरपुरी में जो भी सफाई की व्यवस्था उसको देखा और आगे सफाई कर्मचारियाँ जो भी एमसीडी के कर्मचारी उनको सख्त हिदायत दिए, काम में कोताही बढ़ती नहीं जाएगी, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाएगा। आईजी ब्लॉक जहांगीरपुरी में हमारा कार्य चल रहा है, साथ में हम लोग सफाई कर्मचारी के सहयोग से नाइट में भी शाम को भी सफाई अभियान चला रहे हैं। दुर्गा चौक बड़ा सौ डेयरी राजवीर नगर शरद कॉलोनी में सफाई व्यवस्था को लाइन पर लाने के लिए कार्य किया है। देखिए पहले होता था कि हर गली में हर नुक्कड़ पर एक कूड़े का ढेर होता था, कल भी वो कूड़े का ढेर मुझे दिखाई दिया। मैंने सफाई कर्मचारी को सख्त हिदायत दी है कि इस तरह के कूड़े के ढेर हमें आगे दिखाई ना दे और वो उस पर अमल कर रहे हैं और सफाई व्यवस्था पट्टी पर आने वाली है। जहांगीरपुरी वार्ड इलाके में लोगों की कई समस्याएं हैं जिसमें आवारा पशुओं का भी आतंक है और इलाके में जगह जगह गंदगी का भरमार है। हमने काम शुरू कर दिया है, अब जैसे जैसे लोगों की शिकायतें आ रही हैं हम उसको ठीक करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा भाजपा के बीते 15 सालों के शासन से जनता परेशान है, इलाके में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, जिससे परेशान होकर वार्ड की जनता ने हमें अपना समर्थन देकर हमारी पार्टी को बहुमत मिलाया है। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करें। सरकार द्वारा जो भी 10 गारंटी दिल्ली की जनता को दिया गया उस कामों की भी शुरुआत हो चुकी है। टिमसी सुरेश शर्मा इलाके की बेटी है और सदैव इलाके की जनता के सुख दुख में साथ खड़ी मिलेंगी। फिलहाल जनता के बीच रहने की वजह से टिमसी सुरेश शर्मा इलाके की समस्याओं को भली भांति जानती हैं और अब जगह जगह साफ सफाई का काम भी शुरू करवा दिया गया है, तभी तो इलाके में हो रहे काम से वार्ड की जनता खुश नजर आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कूड़े के पहाड़ और दिल्ली सरकार के 10 गारंटी जैसे मुद्दों पर सरकार का क्या रवैया रहता है और सरकार इसको कब तक अमल में ला सकती है। भारत दर्पण टीवी के लिए सेजर प्रजापति की रिपोर्ट।